खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अमिता कैटरस ने खंडारे परिवार को जब ऑर्गेनिक वेडिंग का सुझाव दिया तो खंडारे परिवार ने तुरंत सहमति जताई। इस यूको फ्रेंडली शाही शादी में चार बातों का पूरा ख्याल रखा गया। पहली बात, केले का पौधा काटकर प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है। यहाँ केले का पौधा काटा गया और एक नया वृक्षरोपण दुल्हा दुल्हन के हाथों किया गया। दूसरी, अक्षत चावल के जगह गुलाब के पंखड़ियों पर्यावरण के अनुकूल वाला 500 से ज्यादा फूलों की टोकरी का इस्तेमाल किया गया। और तीसरी बात, प्लास्टिक पर प्रतिबंध है इसलिए यहाँ प्लास्टिक का गिलास ना इस्तेमाल करते हुए कांच के गिलास का इस्तेमाल किया गया। चौथे सबसे महत्वपूर्ण बात, शादी में बचा खाना जरूरतमंद लोगों को दान कर दिया जाएगा। वही अमिता कैटरस के चेयरमैन शशांक कदम का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वृक्षारोपण एवं गो ग्रीन ये पहल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वही शशांक कदम का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक रविंद्र कदम है और हमारी कंपनी का नाम है अमिता कैटरस। और अमिता कैटरस आज जीए कुलकर्णी बैंकवेट में प्रेजेंट है। यहाँ की पूरी मैनेजमेंट हमारे पास से देखी जा रही है और जो भी शादी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, जैसे फूड हो गया, डेकोरेशन हो गया, बाकी जो व्यवस्थापन रहता है वगैरह, वो सब कुछ आज अमिता कैटरस की तरफ से जीए कुलकर्णी में देखा जा रहा है और ये अगले 3 साल तक देखा जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी जीए कुलकर्णी बैंकवेट में है अमिता कैटरस कंपनी, तो हम लोगों ने सोचा है कि एक शादी जो हमारे लाइफ में आती है, जो एक विधि है हमारे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग एक इको फ्रेंडली नज़रिए में कैसे तब्दील कर सके, उसको हम लोग कैसे उसका एक जरिया बना सके कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज हम लोग वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, उसके लिए हम लोग ने आज की तारीख में जो हमारे बुकिंग क्लाइंट थे जिन्होंने हमारे पास ये बैंकेट बुक किया और जो शादी के लिए हमारे पास आए थे, तो उन्होंने हमने उनके सामने एक ये प्रस्ताव रखा कि हम कुछ चीज़ें हैं जो इस शादी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि आज की तारीख में प्लास्टिक बैन हुआ है, फिर जो पर्यावरण के दृष्टि से वृक्षों की जो हम लोग वृक्ष लगाते हैं वगैरह, जो गवर्नमेंट से हमारी अपील की जाती है कि आप वृक्ष लगाइए वगैरह, या आप अन्न धान्य की बचत करें, जो सब चीज़ें हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट रेडी किए थे जो हमने हमारे क्लाइंट के सामने रखे। जैसे उसमें पहला एक था कि जो हम महाराष्ट्र वेडिंग्स में अक्षता बोलते हैं, जो चावल हम लोग दूल्हा दुल्हन के ऊपर डालते हैं एक आशीर्वाद के स्वरूप में, उसको हम लोग ने आज की तारीख में फूल के जो पंखुड़ियाँ रहती है उसमें तब्दील किया, उनमें हम लोग ने चेंज किया है और उनको रिप्लेस करके हम लोगों ने फ्लावर पेटल्स दिए हैं आज के तारीख में। तो उस हिसाब से हम लोग ने चावल का हाथों हाथ सेव किया है। एक अप्रोक्सीमेटली जो आज के फंक्शन के लिए हम लोग ने एक रफ कैलकुलेशन करके 5 kg का चावल हम लोग आज दान करने वाले हैं। शंकर महाराज अन्नदान छत्र है, वहाँ पे हम लोग वो उन कपल के नाम पे दान किया जाएगा। उसी तरह से प्लास्टिक बैन की वजह से आज के केटरिंग के दौर में हम आज की तारीख तक प्लास्टिक के पाउचेस यूज करते आ रहे थे, जो कि हमारे के लिए भी एक ऐसा था कि हम लोग बहुत प्लास्टिक का एक कचरा तैयार कर रहे हैं और जो समाज में फैला रहे हैं, तो उसको कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए जो पुराने तरीके थे जिसमें ग्लासेस वगैरह यूज किए जाते थे, तो जो केटरिंग लाइन हम कर रहे हैं आज की तारीख में, उसमें वो करना मशीनरी से वगैरह बहुत मुश्किल था। लेकिन हम लोग ने सोचा कि अगर एक कुछ बेसिक टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए समझो, या आप उसको सर्विस करने के लिए आप एडिक्वेट मैन पावर रख सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और वही करने के लिए आज हम लोग ने आज ट्राई किया और आज हम लोग ने वो प्लास्टिक के ग्लासेस अवॉइड करके ग्लास के हम लोग ने वेयर्स यूज किए हैं पानी देने के लिए, जो कि तकरीबन 500 फंक्शन में हम लोग 1800 ग्लासेस यूज करते हैं। तो आज की तारीख में आज के दिन में हम लोग ने 1800 ग्लासेस प्लास्टिक सेव किया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं प्राउडली। और वही सिर्फ सेव नहीं किए तो लोगों तक भी हम लोग वो हाइजीनिक तरीके से पहुंचा रहे थे, क्योंकि जो 3 बकेट मेथड जो बेसिक क्लीनिंग मेथड है जो बर्तन साफ करने की वगैरह, वो टेक्निक हम लोग ने यूज किए, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स एक बेसिक मेथड है
तीन बकेट रखे जाते हैं, उसमें एक पानी, दो पानी के बकेट से और एक सोप सॉल्यूशन रखा जाता है, उसमें एक मैन, एक आदमी रख के वो क्लीन करते जाता है। सो वो करके हम लोग ने हाइजीन भी मेंटेन किया है और पर्पस भी सॉल्व किया है और एडिक्वेट सर्वर्स भी रख के लोगों तक वो पहुंचाया भी है, उसका क्लियरेंस भी कराया ताकि कांच की ग्लास कभी टूट जाए, क्योंकि आज हम लोग 500 के 600 के लोगों को हम लोग आज सर्विस दे रहे हैं तो उसके भीतर ब्रेकेजेस के भी चांसेस बहुत है, तो वो ना होए, टाइमली क्लियरेंस हो जाए इसके लिए हम लोग ने एडिक्वेट मैन पावर भी रखी है। उसमें जो कुछ खर्चा बढ़ा है वो क्लाइंट ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया है और उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग एक दो पैसा एक्स्ट्रा करेंगे लेकिन एनवायरमेंट के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आपके इनिशिएटिव में हम लोग जरूर हाथ देंगे। वैसे करके हम लोग ने आज वो सेकंड इनिशिएटिव आज के फंक्शन में लिया है। थर्डली हम लोग ने ट्री प्लांटेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि वृक्षारोपण जो कर गवर्नमेंट अपने अपील कर रही है, तो हम लोग शादी ब्याह के सीजन में उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उस लाइन में हम लोग ने एक सोचा है कि हम महाराष्ट्र वेडिंग में मेन एंट्रेंस पे केले के खंभे लगाए जाते हैं, जो झाड़ काट के उसको लगाया जाता है, तो उसके एक सिंबॉलिक पकड़ के उसी को हम लोग ने क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया कि उसकी जगह पे हम लोग केले के झाड़ काट के लगाने से अच्छा है हम लोग अगर उसके जगह पे दो झाड़ लगाते, नए झाड़, और उसी जो अब केले के खंभे के लिए जो पैसे हमें देने वाले थे झाड़ के लिए, उस पैसों से हम लोग दो ट्री प्लांट करके हमारे एग्रो टूरिज्म सेंटर में, ताकि जहाँ पे आप जाके आप कभी भी उसका आनंद ले सकते हैं, आप उसको सहला सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको चलेगा क्या। तो क्लाइंट ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट किया और आज हम लोग ने 2 ट्री प्लांट्स किए हैं ऑन मेन डोर पे, बनाना ट्रीज विच इज अ लाइव ट्री हम लोग ने इस प्लांट किए हुए है। तो एक मैसेज हम लोग इस माध्यम से देना चाहते हैं कि वृक्षारोपण होना चाहिए, वृक्ष बढ़ाने चाहिए, ताकि हमारी आगे जाके पीढ़ी को भी जो हमारे है नेक्स्ट जनरेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और फोर्थली जो वेडिंग में फूड वेस्टेज होता है कभी कभी, आज की तारीख में हमारे पास तो ऐसे बहुत कम इंसिडेंट्स होते हैं कि फूड वेस्टेज होता है या फूड लेफ्ट ओवर हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ने जो फूड फॉर ऐप है, फूड फॉर ऑल ऐप है, वो हम लोग ने उनके साथ टाइप करके जो भी हमारा अगर कोई इन फ्यूचर या कभी आज की तारीख में फूड बचता है तो हम उनको इमीडिएटली ऐप के द्वारा कॉल करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं, तो वो आके हमारा फूड जो है लेफ्ट ओवर फूड है वो नीडी वंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की तारीख में ये 4 उपक्रम चालू किए हैं फंक्शंस में, वेडिंग महाराष्ट्र वेडिंग में। एट द सेम टाइम हम लोग भविष्य में भी ऐसे कुछ और भी करने की चाह रखते हैं, जैसे कि कंपोस्ट निर्मित है, जैसे हमारा बड़ा बैंक्वेट है यहाँ पे बहुत रॉ वेजिटेबल्स है या रॉ वेस्टेजेस हमारे पास रेडी होते हैं, तो उसको कंपोस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वगैरह, उस लाइन पे भी हम लोग सोच रहे हैं ताकि एक कंपोस्ट रेडी हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट समाज में बांटा भी जा सकता है, पेड़ों पौधों के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो उस हिसाब से भी हमारे प्लानिंग चालू है। और भी जो सौर ऊर्जा बोलते हैं, सोलर एनर्जी है, उसके भी कुछ यूटिलाइजेशन हमारे डेकोर पैटर्न में अगर हम लोग कर सकते हैं, उस लाइन पे भी हमारे फ्यूचर प्लान चालू है, तो देखते हैं कैसे जाता है हमारा आगे का ये सब सफर। इट्स बीइंग भारत का नागरिक होने के बाद एक तो अपना एक मालूम है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के लिए हम लोग कुछ तो करना चाहिए, और जो प्लास्टिक दूसरे को तकलीफ दे रहा है वो प्लास्टिक हमें भी तकलीफ दे रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट बोल रही है प्लास्टिक बंद करो तो फिर वो उसको एक बैन बोलने से या कुछ गवर्नमेंट ने उसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं निकाला है उसको गवर्नमेंट से घुसने से अच्छा है हम लोग कुछ अपने तरीके से अपने पास से कुछ कर सकते हैं, तो वो ही हेल्प समाज के लिए भी होने वाली है। तो उस वजह से हम लोग पहले भी सोच रहे थे बहुत कुछ और अचानक से एक था कि ठीक है एक ट्राई करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल होता है तो, जैसे मैंने बोला कि आज की तारीख में हम लोग ने 1500 ग्लासेस बचाए हैं, 1500-1800 ग्लासेस बचाए हैं प्लास्टिक के, और वही जाके हम लोग ऑन एन एवरेज ईयर में 50-75 वेडिंग्स ऑन एन एवरेज कैटर करते रहते हैं, तो आप 1500 को इंटू 50 करेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक सेविंग होने वाला है। तो वो नज़र से हम लोग सोचा था, पर्सनली मुझे पेड़ों पौधों का बहुत शौक है, तो तभी दिमाग में था कि कहाँ से प्लांटेशन तो बढ़ना ही चाहिए, कहाँ कर सकते हैं, तो जैसे मैंने देखा कि अरे एक केले के खंभे को काट, केले के झाड़ को काट के लगाने से अच्छा है कुछ नया उधर क्रिएट कर सकते हैं, तो एक मैसेज भी जाएगा और हमारी मेरी जो पसंद है वो भी उसमें रह जाएगी। तो उन दोनों के हिसाब से बीइंग एक्टिव नागरिक, मतलब इस समाज का नागरिक होने के जरिए से हम लोग ये सोच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और जो सिचुएशन जा रहे हैं वो मेरे लिए भी कॉमन है, आपके लिए भी कॉमन है, वी ऑल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स अभी डेली लाइफ में, हम लोगों सबको यही प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ तो राह निकालनी चाहिए। और ये छोटा सा मेरा एक हमारा एक उपक्रम है जिससे कुछ अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए बारे में मुझे तो कुछ ऐसा फर्स्ट आइडिया नहीं था, मुझे आइडिया तो सर शशांक ने ही दिया था। शशांक एंड मी आर फ्रेंड फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स एंड ही इज इन दिस बिजनेस फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम 20 इयर्स। सो
जब मेरे भाई का वेडिंग था सो दैट टाइम इसका हॉल पहले हम लोगों ने फाइनलाइज किया एंड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द हॉल ही गिव मी दिस टू कंसेप्ट. फर्स्ट इज फॉर द प्लांटेशन ऑफ दैट कोकोनट ट्री, सॉरी नॉट कोकोनट ट्री, बनाना ट्रीज, एंड सेकेंड वन इज दैट वो फ्लावर का, फ्लावर पेटल्स का. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कंसेप्ट. लेकिन हमारे ट्रेडिशन जो हमारे घर वाले रहते हैं उनको वो ट्रेडिशन इतना इमिडिएटली डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है. सो फिर बाद में मैंने घर वालों को भी बताया इस बारे में. सो दे सेड ओके कि अगर ऐसा कुछ ऑर्गेनिक हम लोग कुछ करना चाहते हैं और वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर द सोसाइटी देन वी आर ऑल्सो हैप्पी एंड देन वी गो अहेड विद दिस कंसेप्ट. एंड ही ओवरऑल एग्जीक्यूटेड दिस प्रोग्राम एज वेल एज दिस कंसेप्ट वेरी नाइसली. मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ये तो जस्ट स्टार्ट है. अगर और कुछ नए आइडिया आते हैं रिगार्डिंग दैट ऑर्गेनिक मैरिज यू कैन से, सो अगर और कुछ नया आइडिया है तो लोग वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर उनको कुछ नया आइडिया था तो वो ऐसे लोगों को बता सकते हैं. सो वी कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट और एग्जीक्यूट दैट आइडियाज वेरी वेल. एक्चुअली वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम सो इतने शॉर्ट पीरियड में हम लोग सिर्फ यही दो एग्जीक्यूट कर पाए. लेकिन और कुछ अच्छा आइडिया रहेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक वी एक्सेप्ट दैट आइडियाज. केजी, सो वी आर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 12 इयर्स एंड सिंस देन ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन विद कैटरिंग. And then he joined his family business, and I think he really flourished the overall with his experience and his with his knowledge. So what I've seen is he's bringing in a lot of new initiatives into the catering business. So he has taken it to the next level. So few things I observed into the today's wedding is one is, you know, traditionally we have the kerice kham, right? So that is the auspicious occasion. But then what happens is all the trees are cut. So what he has done beautifully is rather than cutting a tree, he has placed a tree actually at the beginning of the at the entrance of the hall. So which is really good. Secondly, for the water, you know, there are a lot of plastic glasses are being typically used. So rather than that, he has actually taken an extra step to put a normal regular glasses with clean water. So I think that is something which is really good. And overall. His management and the overall catering food quality is exceptionally good. So we all enjoyed. I came with my family members here and we really enjoyed it.